एक पे छोड़ दिन बना में। हाँ अच्छा सर, प्रणाम प्रणाम रतन दा, क्लासेम प्रणाम प्रणाम। चौकी। हाँ ये तो कुछ दिन बात अच्छा कर सका अच्छा ये। हमारा कहने का मतलब यही है रतन दा कि हमारा लड़ाई मुद्दा क्या था कि 20% को स्क्रैप करने का, ठीक है, और ओल्ड जीएम पावर से हमें नियुक्ति दिलाने का, यही मेरा मुद्दा था। कहने का मतलब मेरा यही है कि जो भी अप्रेंटिस कंप्लीटेड है उनको कहा जा रहा है कि अब उनको पीटी खत्म कर दिया जाएगा। पीटी खत्म कर दिया गया है यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट खत्म कर दिया गया, ठीक है। मान लिया कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट खत्म कर दिया तो उसके लिए कि जो कि भाई इस नियम में फॉलो हो रहा है, जो 21 जून 2016 के बाद वाले कैंडिडेट हैं, यह चीज उनके ऊपर लागू होना चाहिए कि भाई उनको पीटी नहीं देना होगा, उनको एक एग्जाम देना होगा और वो ज्वाइन कर लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो 21 जून 2016 से पहले पास आउट कैंडिडेट है उसका पीटी खत्म करने से मकसद क्या? उसको तो पीटी खत्म करना ही चाहिए था उसी समय, और उसको पीटी से कोई लेना देना नहीं और उसको एग्जाम से भी कोई लेना देना नहीं है। उसको ओल्ड जीएम पावर से जिस प्रकार पहले हो रहा था, देखिए आप जिस नोटिफिकेशन को लाए हैं कब से प्रभाव में लाए हैं, जिस जब से प्रभाव में लाए हैं उसके पहले वाले को क्या कीजिएगा? तो ओल्ड जीएम पावर से ही ना लीजिएगा। आप पीटी खत्म करने की बात कर रहे हैं, पीटी खत्म कर देने से क्या हो जाएगा? क्या पिछले 2018 सेशन का जो कि नोटिफिकेशन का ग्रुप डी का एग्जामिनेशन था, तो क्या सारा लड़का एग्जाम निकाल लिया था? क्या निकाल लिया था सारा लड़का एग्जाम? नहीं, कहाँ से तो फिर निकालेगा। एग्जाम ही नहीं निकाल पाएगा, एग्जाम ही इतना ट्विस्ट कर देगा, हमारा क्वेश्चन पेपर एक ऐसा सेट किया जाएगा और व्यवस्थित तरीके से उसको एक इंडिविजुअली एग्जामिनेशन हम लोगों को अप्रेंटिस वाले को पूरे ऑल इंडिया स्तर पर देना होगा। जो हम लोगों का संडे डेट फिक्स रहता है कि अप्रेंटिस वाले आज संडे के दिन एग्जाम ही, टोटल ऑल इंडिया में संडे के ही दिन एग्जाम देगा भाई टोटल अप्रेंटिसशिप, और उसका क्वेश्चन पेपर वैसा ही ट्विस्ट रहेगा जिसको कि आप 1/3 कुछ भी नहीं कर पाइएगा, आप मेरिट लिस्ट में भी नहीं आ पाइएगा, आपको मार्क्स भी नहीं जुटेगा, फिर वही का वही बात हो गया। उस समय भी फिजिकल की लड़ाई के लिए बात नहीं थी, एग्जामिनेशन को भी कितने बदतर ढंग से किया गया था। और सुन लीजिए, कहता है कि होली खुशखबरी है, जो 2024 में भी है बहाली को क्लियर नहीं कर पाएगी ये बीजेपी गवर्नमेंट। 2024 के बाद ही सोचिए 2025 में कि ज्वाइन अगर होगा, अगर जुलाई में भी एग्जाम लेगा तो 2025 में ज्वाइन। तो हम लोगों को जीएम पावर वाले को क्यों भाई वो ओपन रेल में धकेला जा रहा है? हम लोग जीएम स्तर पर एग्जाम लेके हम लोगों को रिक्रूट करे। हम लोग 21 जून 2016 से पहले वाले पास आउट है, और 21 जून 2016 के बाद वाले कैंडिडेट का पीटी भी खत्म कर दीजिए और उसको दीजिए, पूरा वेटेज दीजिए उसको, उसका भी हो जाएगा, ठीक है। वो भी नहीं कर सकते हैं तो ऑल इन वन QR होना चाहिए जो पूरे देश में लागू हो, कि सभी के लिए बिल्कुल एक होना चाहिए कि जो कि बाद में भी है अभी भी है, सबके मसला पर हल देखते हुए ओल्ड जीएम पावर से नियुक्ति देने का मांग किया जाना चाहिए। और ओल्ड जीएम पावर एग्जाम लेना है, एग्जाम देने के लिए तैयार है, पीटी तो नहीं देंगे, एग्जाम देने के लिए तैयार है, मगर वो जीएम स्तर पर एग्जाम होना चाहिए, हमारा टेक्निकल में एग्जाम होना चाहिए, हमारे कॉरपोरेशन में एग्जाम होना चाहिए, हमारे संस्थान में एग्जाम होना चाहिए। वो हम ओपन रेल में क्यों जाए? ओपन रेल का वैकेंसी तुरंत होता है, ओपन रेल के समस्या का क्या निदान तुरंत होता है? क्या आरआरबी के थ्रू जितने भी बोर्ड हैं वो तुरंत ज्वाइनिंग दे देंगे? नहीं, 2025 तक में भी वो ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। तो हमको जो बेवजह समय दर समय पे धकेला जा रहा है ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने मन से 1/3 और पीटी हटा देंगे, ये मुद्दा था मेरा? मेरा तो ये मुद्दा नहीं था ना दोस्त, मेरा मुद्दा क्या था? ओल्ड जीएम पावर, ओल्ड जीएम पावर से सबको नियुक्त करना। और अगर तुम एग्जाम लेना चाहते हो तो जीएम पावर से ही एग्जाम देंगे। ये जो तुम ओपन रेल में धकेल के एग्जाम, एग्जामिनेशन कितना लड़का पास कर पाया था 2018 में, ये तो जवाब दो, ये तो आंकड़ा दो, और कितने लड़का का हुआ था? और 2025 तक में भी यह मामला क्लियर नहीं हो सकेगा दोस्त। तो अपने मन से मिश्रा जी जो है ये पैराग्राफ चेंज करते रहते हैं समय दर समय, ये तो ठीक बात नहीं है बॉस। आज जो भी अप्रेंटिस का ये दुर्दशा हुआ है इसमें कहीं ना कहीं से जो है जिम्मेदार है यूनियन, खुल के बोलिए, है कि नहीं? बिल्कुल है ये, उसको समस्या का निदान करना चाहिए और समस्या दर समस्या बढ़ाना चाहिए। हम कहते हैं ओपन रेल के तहत आप हमको ले लीजिएगा तो ओपन रेल का आप अभी नियुक्ति दीजिएगा,
आप एग्जाम लीजिएगा, फिर उसका प्रक्रिया होगा, फिर उसमें बाधा अड़चन आएगा, उसके बाद फिर उसका फिजिकल सबका चलेगा, फिर मेडिकल चलेगा, फिर पोस्टिंग के लिए लड़ाई होगा, उसमें का नेक प्रक्रिया होगा। और हमारा जीएम पावर से अगर नियुक्ति देने की बात कर रहे हैं तो हम लोग अपने टेक्निकल स्तर, अपने प्रोडक्शन यूनिट में जाकर तत्काल हम लोग तुरंत एग्जाम कराकर हम लोग रिक्रूट हो जाएंगे। हम लोगों को उनसे अलग किया जाए भाई, हम लोग ट्रेंड मैन पावर हैं, हम लोगों को वहां से क्यों देखा जाता है। और ये हमेशा मिश्रा जी हमारा मुद्दा को क्या रहता है और करवा क्या देते हैं, ये तो ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। एक भी लड़का पास भी नहीं कर पाइएगा, सुन लीजिए, वो जो सोचते हैं कि फिजिकल हटा देगा और एग्जामे निकाल के जो है हम कर लेंगे, तो क्यों नहीं एग्जाम 2018 में निकाल पाए थे, क्या तो एग्जाम में सन 2018 में निकाल लिया था, अगर निकाल लिया था तो उसका नौकरी क्यों नहीं हुआ। उसमें बहुत सारे डिमेरिट है, डिमेरिट दोष है, उस प्रक्रिया के तहत डिमेरिट है। हम देंगे एग्जाम, एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो ना, देंगे एग्जाम। जीएम पावर से कहो, जब तू हमको 1/3 वेटेज ही दे रहे हो, यह तो काम जीएम भी कर सकता है, यह तो काम जीएम भी कर सकता है, तो हमको जीएम स्तर पर दे दो भाई। ओपन रेल में हमको घसीटना ठीक नहीं है, और ओपन रेल पे घसीट करके तुम जो सोच रहे हो कि हम पीटी निकाल हटा दिए हैं तो इसे सारा लड़का एग्जाम निकाल नहीं निकाल पाएगा, वो दौर खत्म हो गया। और सुन लीजिए, एग्जामिनेशन में भी धांधली होगा, पूरा धांधली होगा, किसी का मार्क्स जो है ना संतोषजनक नहीं आएगा और कोई सिलेक्ट भी नहीं कर पाएगा, वही सैकड़ा में सिलेक्ट करेगा। हजारों में मेरा सीट है, हजारों में रिक्ति है, और हम सैकड़ा में सिलेक्ट होंगे जैसे पहले बार हुआ था, फिर तो वही डिमेरिट्स आएगा। इसलिए यूनियन के लीडर्स को, हमारे एसोसिएशन के लीडर को ये समझने का, बारीकी से अध्ययन करने का इस पर जरूरत है कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हटा देने से क्या हमारी समस्या का निदान हो जाएगा, नहीं, हमारा क्वेश्चन पेपर ट्विस्ट हो जाएगा, हमें इंडिविजुअल एग्जाम देना होगा। दूसरी बात कि हम आरआरबी के चक्कर में पढ़कर अपने समय को काफी बर्बाद तो कर चुके ही हैं और काफी समय और बर्बाद करना होगा, और हमें जीएम स्तर पर रख दिया जाए, जीएम स्तर पर ही एग्जामिनेशन हम देने के लिए तैयार हैं भैया, लेकिन जीएम स्तर पर हो। और 21 जून 2016 से पहले वाले का तो भाई तुरंत उसको तो ओल्ड नियम से, ओल्ड जीएम पावर से ही उसको नियुक्त करना चाहिए, वहां तक को तुम ले लो, उसके बाद फिर तुम इधर जो भी नियम प्रक्रिया अपना पालना है पालो। वही ना, जब वही करना था तो ग्रेवियस जो लिए सबसे काहे लिए थे, सबका सुझाव किस लिए लिए। तो हम लोगों का ये मुद्दा नहीं है कि हम लोग 1/3 दो या हम लोगों को एग्जाम के तहत लो या पीटी हटाओ। हमने पूछ रहा हूँ कि ये आदेश जो आपने जारी किया है वो आदेश तत्काल कब से प्रभाव में आया। मेरा मुद्दा यही है, आप जिस समय से लाए हुए नियम को उसके बाद से फॉलो करो, उसके बाद से वाले का पीटी हटा दो, उसके बाद वाले का तुम ओपन रेल से एग्जाम लेना चाहते हो तो लो, मगर अगर करना है तो सबका तुम ओल्ड जीएम पावर से दे दो। जीएम उसको ट्रेनिंग दिया है, जीएम उसको AITT करवाया है, जीएम ही उसको एग्जाम लेकर रिक्रूट कर लेगा वेटेज देके। ये बात तो मिश्रा जी खुल के बोल ही नहीं पा रहा है, मामला को उलझा दे रहा है, तो मामला और ट्विस्ट हो जाएगा और किसी का एग्जाम भी नहीं निकलेगा, उस स्थिति में फिर कुछ कर भी नहीं पाइएगा। हाँ, जब तक सबके उम्र एक्सपायर। हाँ, उम्र तो एक्सपायर तो सबका कर ही गया है, जो बचा खुचा है वो भी करियर खत्म कर देगा ये लोग, वो भी खत्म करने के लिए तुला हुआ है। अपना नियम, अपना दिमाग लगा के 20% करवा दिया, फिर अपना दिमाग लगा के करा पीटी हटा देंगे और फिर 1/3 कर देंगे उसको। क्या, हाँ, तुम 1/3 दोगे जी, कहां पर दोगे 1/3, किसमें दोगे, तो फिर मार्क्स बेसिस पर एग्जाम क्यों ले रहे हो। यही सब बात है, इसको बारीकी से अध्ययन करने का जरूरत है। इस मसले पर तत्काल जो है अभी सब जगह बात फैलाइए और हर मसले पर इस बात पर बात को अमल कराया जाए। बारीकी से सोचने का बात है कि फिर से एग्जामिनेशन का मतलब है कि फिर से हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार, फिर से हम बोर्ड में एग्जामिनेशन दें, फिर उसके रिजल्ट का इंतजार करें, फिर उसके फिजिकल का इंतजार करें, फिर उसका प्रक्रिया का इंतजार करें, फिर मेडिकल दें, फिर प्रक्रिया का इंतजार करें, एवं प्रकार से 2024 में भी इसको क्लियर नहीं कर पाइएगा, 2025 तक में भी क्लियर नहीं होगा। और सोच लीजिए, अगर इस प्रक्रिया के तहत, जीएम प्रक्रिया के तहत, ओल्ड जीएम पावर के प्रक्रिया के तहत अगर हम लोग आएंगे तो साल भर में हम लोग निदान अपना टेक्निकल स्तर से निकाल लेंगे अपना जीएम ऑफिस से।
इसमें मार्क्स भी नहीं मिलेगा, वो जो सोचता है कि वो मार्क्स आ जाएगा हम सिर्फ एग्जाम निकाल लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होने वाला है। इतना आसान तुम नहीं बूझो, बहकावे में एकदम नहीं आना चाहिए किसी के बहकावे में एकदम। मेरा जो मुद्दा है इतना इतना मेमोरेंडम दिया गया है देश स्तर पर, उस मेमोरेंडम में कहीं 1/3 का मेरा जिक्र है या हमारा एग्जाम देने का कहीं जिक्र है? नहीं। अगर तुम इतना करने के बावजूद भी एग्जामिनेशन की बात करते हो तो हम लोग ओल्ड जीएम पावर से ज्वाइन होना चाहते हैं और जीएम स्तर पर हम लोग एग्जाम देना चाहते हैं। गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं सब ठीक है, सब अप्रेंटिस एक मतलब है नहीं ना। देखो कुछ 2019 बैच के जो लड़का है वो कर रहने पर हमको मॉडिफाइड लिंक दीजिए। अरे भाई ठीक है, मॉडिफाइड लिंक तुम क्यों लोगे? तुमको तो डायरेक्ट दे रहे हैं ना, वही ना। तुम सब सब हम लोग सब एक हैं, हम लोग सब जाएंगे ओल्ड जीएम पावर से। और अगर नहीं जाएंगे ओल्ड जीएम पावर से बाबू, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो जीएम पावर के ही तहत हमारा एग्जाम हो टेक्निकल बेसिस पर। जितने भी अप्रेंटिस हैं उनको ओपन रेल के प्रतियोगिता में ना धकेला जाए, ट्रेंड मैन पावर को उसके ओपन जो अनट्रेंड है उनके साथ धकेल रहे हैं आप, ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं। अब ये देखो हमरा तोरा बोलला तो कुछ होता नहीं, जो शीर्ष नेता है हाँ तो करने दीजिए, उससे कोई फायदा थोड़े होने वाला है। फिर देखिएगा साल भर के ये एग्जाम देने के बाद फिर बौखलाएगा सब बौखलाएगा, ये तो गलत बात है, जो गलत बात है। नेता कहाँ कहा था, नेता का कहाँ मेमोरेंडम मैनिफेस्टो है 1/3 का और एग्जामिनेशन का? किसी भी लीडर का मैनिफेस्टो में दिखा लीजिए। इसको जो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग में डाल के ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ हाँ ठीक ठीक ये ठीक है ना ठीक। और देखो जे फेसबुक पर भी डाल देना है ताकि नींद खुले शिवगोपाल मिश्रा के। हाँ ठीक है रखते हैं। हाँ रात में हम अभी थोड़ा बिजी में हैं बॉस, इसीलिए हम सोचे कि शाम में बात विस्तार पूर्वक करेंगे। हाँ हाँ थोड़ा बहुत किए हैं और भी बहुत आगे कल बातचीत होगा। ठीक ठीक।